जय हिंद दोस्तों, आठ टीमें आठ मैच, आईपीएल 2023 अब अपने आखिरी दौर में चल रहा है। अब सिर्फ आठ ही मैच बाकी हैं लीग स्टेज के। अब यही आठ मैच आठ टीमों की किस्मत तय करेंगे। दोस्तों, दो टीमें तो आईपीएल 2023 के प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं, एक है दिल्ली कैपिटल, दूसरी है सनराइजर्स हैदराबाद। अब ऐसे में दोस्तों आठ टीमें बाकी हैं और अभी आठ मैच भी बाकी हैं। यही आठ मैच तय करेंगे कि कौन प्लेऑफ में जाएगा, कौन प्लेऑफ में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरे पॉइंट टेबल का समीकरण विस्तार से समझाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं पॉइंट टेबल पर। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है गुजरात टाइटन, जो क्वालिफाई भी कर चुकी है, जिसने 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 9 मुकाबलों में जीत मिली है, वहीं 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके 18 अंक हैं। 18 अंकों के साथ गुजरात प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी भी गुजरात को एक मैच खेलना है, वो भी बेंगलोर के खिलाफ। तो दोस्तों, अगर गुजरात जीती तो बेंगलोर को प्लेऑफ बाहर होना तय ही है, इसीलिए आठ टीमों में गुजरात का नाम शामिल है। वैसे तो गुजरात क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन बेंगलोर का खेल बिगाड़ सकती है। फिर नंबर दो पर चेन्नई सुपर किंग है, जिसने 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 7 मुकाबलों में जीत और 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई के 15 पॉइंट। चेन्नई का अगला मैच दिल्ली से है। दोस्तों, अगर ये मैच चेन्नई जीत जाती है तो 17 पॉइंट के साथ डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी, और अगर दोस्तों चेन्नई मैच हारी तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि कई टीमें अभी रेस में हैं। नंबर तीन पर मुंबई है, जिसने 12 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबलों में जीत मिली है, वहीं 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके 14 अंक हैं। मुंबई के 2 मैच बाकी है, जिसमें से दोनों मैच क्वालिफाई की टिकट पक्की हो जाएगी। एक मैच जीत कर क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर है लखनऊ, जिसने 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में जीत जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। लखनऊ के 13 अंक हैं। ऐसे में लखनऊ अपने दम पर क्वालिफाई कर सकती है, लखनऊ के 2 मैच बाकी हैं। अगर लखनऊ अपने दोनों मैच जीत जाती है तो बड़े आराम से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। पांचवें नंबर की बात करें तो बेंगलोर है, जिसने अभी तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मुकाबलों में जीत और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। बेंगलोर के भी 2 मैच बाकी हैं। अगर दोनों मैच जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन एक मैच बड़ी टीम गुजरात के साथ है। अगर गुजरात को हरा कर अच्छे रन रेट के साथ जीतने पर ही क्वालिफाई कर पाएगी। इसके बाद दोस्तों राजस्थान रॉयल है, जिसके 12 मुकाबले खेले हैं, 6 मुकाबलों में जीत मिली है, वहीं 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, और 12 अंक है। राजस्थान का एक मैच बाकी है, अगर जीत गई तो 14 पॉइंट हो जाएंगे। जिस तरीके से ऊपर की टीमें खेल रही हैं, ऐसे में संभावना बन सकती है कि 14 अंकों के साथ क्वालिफाई कर जाए। ऐसे में निर्भर करेगा कि कैसा रन रेट रहा है। 14 अंक कई टीमों के हो सकते हैं। केकेआर के भी 13 मैचों में 12 पॉइंट हैं। ऐसे में अगर केकेआर मैच जीतती है तो उसके भी 14 अंक हो जाएंगे। इसके बाद पंजाब किंग है, जिसने 12 मुकाबले खेले हैं, 12 पॉइंट हैं और 8वें नंबर पर है। अगर दोस्तों बचे हुए 2 मैच जीत जाती है तो सीधे 8 नंबर से 2 नंबर पर पहुंच जाएगी। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद है, जिसके 12 मैच में से 8 अंक हैं, प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। अगर बचे हुए दोनों मुकाबले भी जीत जाएगी तब भी 12 पॉइंट ही होंगे, क्योंकि 12 पॉइंट पर कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। यही हाल दिल्ली कैपिटल का भी है, जो 10वें नंबर पर है। ये दोनों टीमें दो टीमें बाहर हो चुकी हैं, दिल्ली कैपिटल और हैदराबाद। एक टीम क्वालिफाई कर चुकी है, गुजरात। अब यहाँ से 3 टीमों के लिए जगह बची है और 7 टीमें लाइन में हैं। ऐसे में प्लेऑफ की रेस काफ़ी रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी वो 3 टीमें होंगी जो क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी कीमती राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।